Martyred inspector of Jammu and Kashmir police Arshad Khan, who was killed in a fedayeen attack on the CRPF on June 12th in Anantnag. Meanwhile, Shiv Sena Dogra front held demonstration in Jammu ahead of Amit Shah's visit. They demand that Amit Shah should not accept any invitation of talks with the Hurriyat leaders. कौन हुरियत, कैसी हुरियत, क्या रिप्रेजेंटेशन है हुरियत की, क्या चुनाव लड़ा उन्होंने, ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। कौन चाहता है बातचीत? गवर्नर साहब चाहते हैं बातचीत। गवर्नर साहब ने क्या कहा? हुरियत बातचीत चाहती है, हम बातचीत नहीं चाहते। अब जो इंडियन को कुत्ता कहते हैं उनसे बातचीत करेंगे? गवर्नर साहब को भी विचार करना होगा, हम किससे बात नहीं करेंगे। ये जो कश्मीर की बर्तरी हालत है, इसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। उसके लिए अगर उसे हुर्रियत वालों के साथ बात करनी चाहे तो करनी चाहिए, या पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहे तो करनी चाहिए। कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना चाहिए। एज पर जो माहौल है अभी कश्मीर का, मुझे लगता है बेटर रहेगा अगर बातचीत रहेगी। अगर बातचीत हो जाएगी दोनों दरमियान, हुर्रियत के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, तो बेटर रहेगा। एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जो भी हो वो कश्मीर के फेवर में हो और हालात ठीक हो। अल्लाह चाहे, अल्लाह करे कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। Let's just try and tell you, since Amit Shah has taken over as the Home Minister, what is the situation as far as the terror front goes in Jammu and Kashmir? The government, even in the first